आज हम बात करेंगे रेलवे स्टेशनों को लेकर। बिहार के रेलवे स्टेशन अब बनेंगे 20 स्तरीय, इसको लेकर रेलवे की तरफ से कवायद तेज कर दी गई है। पूर्व मध्य रेलवे के 12 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिसमें सोनपुर मंडल के मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं बरौनी, समस्तीपुर मंडल के दरभंगा, सीतामढ़ी, बापूधाम मोतिहारी, दानापुर मंडल के राजेंद्र नगर एवं बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तथा धनबाद मंडल के धनबाद एवं सिंगरौली का चयन किया गया है। इन स्टेशनों को लेकर यह बताया जा रहा है कि इसमें यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी अनुभूति के साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के युक्त होंगे ये रेलवे स्टेशन। गया रेलवे स्टेशन को लेकर अब निविदा जारी कर दी गई है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि साल 2024 के अंत तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर जंक्शन को लेकर भी यह बताया जा रहा है कि इन स्टेशनों के पुनर्विकास के बाद मुजफ्फरपुर स्टेशनों पर तकनीक, स्थानीय संस्कृति एवं समृद्धि विरासत का आकर्षण मेल बनेगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि स्टेशनों के विकास होने के बाद से यात्रियों को विशेष तरह की सुविधा मिलने लगेगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, इससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलने वाला है। बता दें कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि निर्गत की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि साल 2024 तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन स्टेशनों को ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जाएगा। स्टेशनों पर एक्सेस कंट्रोल गेट एवं प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एक्सेलेटर एवं लिफ्ट लगाए जाएंगे, ताकि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक आने जाने में यात्रियों को असुविधा न हो। यात्रियों को ध्यान में रखते हुए आने वाली आवश्यक सुविधाओं में खान पान, वाशरूम, पीने का पानी, ATM, इंटरनेट आदि की सुविधाएँ बहाल की जाएंगी। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि धार्मिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से गया रेलवे स्टेशन को 20 स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर निविदा भी जारी कर दी गई है। गया रेलवे स्टेशन को विकसित करने के लिए 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत जो है वो लगाई गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 2024 के अंत तक इसका कार्य पूरा किया जा सकता है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि स्टेशनों के विकसित हो जाने के बाद से यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलने लगेगी। गया रेलवे स्टेशन विकसित हो जाने के बाद से स्थानीय सांस्कृतिक एवं समृद्धिक विरासत का आकर्षक मेल हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता में 3 गुना बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन सभी 12 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के आगमन एवं प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जाएगी। साथ ही साथ अलग अलग भवन का निर्माण किया जाएगा। यात्रियों के प्रवेश द्वार और निकास द्वार इस तरह से बनाए जाएंगे जिससे कि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि वर्तमान रेलवे स्टेशन की तुलना में 2.35 गुना अधिक पार्किंग की व्यवस्था होगी। ECR के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि टिकटिंग की यहाँ पे सुविधा बहाल की जाएगी, दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं मिलने लगें, यानी कि दिव्यांगों के लिए जो है विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। ग्रीन ऊर्जा के लिए स्टेशन भवन पर सोलर पैनल का प्रावधान भी लगाया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान है। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं अग्निशमन जैसी व्यवस्थाएं रेलवे स्टेशनों पर मुहैया की जाएगी। इसलिए वह बात बार बार कही जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब जो है रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होंगे, यानी कि रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आपको नहीं लगेगा कि आप एयरपोर्ट पर हैं या रेलवे स्टेशन पर हैं, क्योंकि इनकी सुविधाएँ वर्ल्ड क्लास की होने वाली है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।